और भाई लोग क्या हाल चल रहा है। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि सोल कैसे क्वालिफाई हो गई, नेपोटिज्म किस तरीके से काम करता है बीजीआई जैसे बड़े टूर्नामेंट में, जहाँ पे मैं इसमें क्यों बताऊँ आपको, पहले वाला वीडियो देख के आओ बाद में इसमें ना। अब इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि सोल के क्वालिफाई होने का मेन रीज़न क्या था। उसमें अपने नेपोटिज्म वगैरह की बात की थी। तो यहाँ पर जो एक सीन होता है कि आप कोई भी 5 प्लेयर के साथ खेलते हो कि अदरवाइज जो आपका मेन लाइनअप होता है 4 बंदों का, उसमें से कोई खेल ना पाए या फिर किसी रीज़न से वो नहीं खेल पाए, तो पांचवा बंदा उसमें खेल सकता है। अब यहाँ पे सीन ये हुआ कि जो टीम हीरोज़ थी जो 4th नंबर पे थी, उनके अंदर जो चौथा बंदा खेलने को आया सब्स्टिट्यूट, वो रजिस्टर्ड नहीं था बीजीआई के लिए। यहाँ पे सिनेरियो बनता है रिंगिंग का, और ये क्राफ्टन के रूल्स के खिलाफ है कि जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं था वो खेल के गया, तो इसलिए टीम हीरोज़ माइट डिसक्वालीफाई हो जाएगी और उनकी पोजीशन पे आ जाएगी सोल। इसलिए वो क्वालिफाई करके जाएगी, क्या करके जाएगी, क्वालिफाई सेमीफाइनल्स के लिए। ये था सबसे बड़ा मेन रीजन, होप आपको समझ में आ गएगा। छोटा सा प्यारा सा वीडियो आपको समझाने के लिए कि सोल का एक्चुअल क्वालिफाई होने का रीज़न क्या था। इतना था वीडियो में, जयराम जी की।